फ्रेंड्स, इससे पहले आपने आम की बहुत सारी रेसिपियाँ बनाकर खाई होंगी, तो आज हम बनाएंगे आम पुडिंग। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए मैंने दो आम लिए हैं और इनको छील लेंगे। मैंने दोनों आमों को छील लिया है और इनका अब हम पल्प निकाल लेंगे। ये सारा पल्प निकाल लिया है और गुठलियों को हटा देंगे। सी ग्राइंडर जार में सारे पल्प को हम डाल देंगे। ये 5 चम्मच हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आपने जो आम यूज़ किया है वो मीठा है या नहीं, आप उसी के अकॉर्डिंग चीनी डालिएगा। और 1 ग्लास दूध डाल देंगे। पल्प लगाकर इसको हम थोड़ी देर ग्राइंड कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से मैश हो जाएगा। इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे, इससे ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और अच्छा सा पेस्ट रेडी होगा। हमें पकाने में आसानी होगी। ये पतला रहेगा तो पकाने पर ये बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। एक बाउल में निकाल लिया है। कटोरी में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें वाटर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग का काम करता है। ये हमारे खाने के सामान को थिकनेस प्रदान करता है। सारी तैयारी के बाद अब हम चलेंगे कढ़ाई की ओर। तो मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है। सारा पेस्ट डाल देंगे। इसका फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो इस तरीके से जब पक जाए तो इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो देखिए बबल्स उठ रहे हैं, इसी स्टेज पर हमें कॉर्नफ्लोर डालना है। फ्लोर डालते समय आप इसे ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स नहीं पड़े। आप इसे लगातार चलाइएगा, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और इसकी थिकनेस अच्छी हो जाएगी। फ्लोर डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम और पकाएंगे, जिससे इसमें गाढ़ापन आ जाए। हमारा पेस्ट कितना थिक हो गया है, मैंने इसको लिया है और स्पून चलाया है तो इसमें लाइन खिंच जा रही। इसी तरीके से जब लाइन खिंच जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप समझने के लिए इसे इस तरीके से चिमचे में भी लेकर देख सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल गिर नहीं रहा है, चारों तरफ से पकड़े हुए है। चेक करने का एक और आसान तरीका है कि ये पक गया है कि नहीं। आप 1 ग्लास में वाटर लेंगे और उसमें 2 से 3 बूंदें डालेंगे, तो जिस तरीके से आप बूंद डालेंगे वो उसी तरीके से रुका रहेगा। इस स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ये पेस्ट को जमाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें घी लगा देंगे। चारों तरफ से अच्छे से हम इसमें घी लगा देंगे। आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेस्ट को स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे। एक बार अच्छे से हम मिला देंगे। एक बाउल में निकाल दिया था तो ये ठंडा भी हो गया है, तो चलिए इसे हम बॉक्स में डालते हैं। ये पेस्ट को इस बॉक्स में हम डालेंगे। तो इस तरीके से आपको पेस्ट को डालना है। पेस्ट को बॉक्स में डालने के बाद इसे टैप कर देंगे, जिससे ये बराबर से हो जाएगा और इसमें बबल्स नहीं होंगे। ऑयल पेपर को ऊपर से लगाकर इसको कवर कर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। तरीके से कवर करके 6 से 7 घंटे फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रीजर में नहीं रखेंगे। इसे फ्रिज में रख दिया था तो ये देखते हैं इसे खोलकर। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे से ये जम गया है। इसे ओवरनाइट छोड़ा था। आप अगर दिन में कर जमा रहे हैं तो इसे 6 से 7 घंटे के लिए रखिएगा। चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट निकालने के लिए प्लेट ऊपर रखेंगे और बॉक्स को उल्टा कर देंगे। तो इस तरीके से आपको आराम से करना है और धीरे से बॉक्स को उठा लेना है। कि दोस्तों कितने अच्छे से जमा हुआ है और कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम इसके ऊपर कुछ मेवे से गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने बादाम और पिस्ते का यूज़ किया है। आप कोई भी मेवा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये कितना ही सॉफ्ट बना है, मैं इसे नाइफ की मदद से हिला रही हूँ। इसी तरीके से आपको बना लेना है। तो चलिए इसे हम पीसेस कट करते हैं। आज हमने बनाई आम की एकदम नई रेसिपी। ये ना मिठाई है और ना केक, इसे कहते हैं आम पुडिंग। इसे अपने घर में ट्राई करिएगा। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये था हमारा आम पुडिंग। देखिए मैं स्पून की मदद से उठा रही हूँ तो कितना ही अच्छा बना है। दोस्तों इसी तरीके की आसान रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।